हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फॉर टुडे माय टॉपिक इज प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू अ सेल। इन अ प्रीवियस चैप्टर वी हैव टॉक अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू अ सेल। इस हम सबको पता है कि हम लोग सेल को अपनी आंखों से, मतलब निकट आंख से नहीं देख सकते। हम लोग सिर्फ उसको माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं, कंपाउंड माइक्रोस्कोप के थ्रू ही देख सकते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक पे यही पढ़ेंगे कि हम लोग माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, कौन सी स्लाइड पर रख के हम लोग सेल को व्यू करते हैं। नाउ फॉर व्यूइंग उस स्पेसिमेन, स्पेसिमेन मतलब कोई भी चीज़ को हम व्यू कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के नीचे। जैसे कि हम मैंने आपको बताया था कि साइंटिस्ट ने स्लाइस लिया था कॉक का, तो उस कॉक को हम लोग कहेंगे टू स्पेसिमेन, उसको कहेंगे हम स्पेसिमेन। तो स्पेसिमेन को व्यू करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसको ग्लास साइड पर रखना पड़ता है। और जिस वे में हम लोग ग्लास साइड के ऊपर स्पेसिमेन को प्रिपेयर करते हैं उसको कहते हैं हम माउंटिंग। माउंटिंग जो है वो टू टाइप्स के हैं, फर्स्ट इज वेट माउंट एंड सेकेंड इज ड्राई माउंट। अब ड्राई माउंट और वेट माउंट के बीच में डिफरेंस क्या है? इन दोनों के बीच में ये डिफरेंस है कि आप लोग इस टर्म से ही आप समझ जाएंगे ड्राई माउंट। ड्राई मतलब जिसमें वाटर की ज़रूरत नहीं होती, बहुत सूखा होता है। तो ड्राई माउंट की बात करें तो वो यूज़ किया जाता है एनिमेट ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए, एनिमेट ऑब्जेक्ट्स को। एनिमेट ऑब्जेक्ट मतलब ऑब्जेक्ट दैट आर नॉट अलाइव, नॉन लिविंग थिंग्स को देखने के लिए यूज़ किया जाता है ड्राई माउंट। और मैंने आपको बताया जैसे कि टर्म सजेस्ट कर रहा है ड्राई माउंट विच डू नॉट नीड वाटर। अब वेट माउंट, वेट माउंट क्या होता है? वो प्रिपेयर किया जाता है किससे बन के मिलता है? वो ग्लिसरी और वाटर से मिलकर बनता है, जो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को देखने के लिए हेल्प होता है, मतलब लिविंग स्पेसिमेंस को, जैसे कि मैंने आपको बताया ऑर्गेनिजम्स के सेल्स। तो ये डिफरेंस है किसके बीच में? ड्राई माउंट और वेट माउंट के बीच में। अब वेट माउंट में क्या होता है? हम छोटा सा एक स्मॉल पीस लेते हैं सैंपल के लिए, स्पेसिमेन का लेते हैं, उसको हम किसके ऊपर? एक कवर स्लिप के ऊपर रखते हैं ताकि वो अच्छी तरीके से हम लोग व्यू कर सकें माइक्रोस्कोप के नीचे। लेकिन ये तो ड्राई माउंट और वेट माउंट था। एक और होता है स्लाइड, वो है परमानेंट स्लाइड। अब परमानेंट स्लाइड में क्या होता है? परमानेंट स्लाइड में ये होता है कि वो बाद के लिए यूज़ किया जाता है, वो परमानेंट होता है। ऐसा नहीं है कि वेट उसको वाटर की ज़रूरत होगी, और ऐसा नहीं कि ड्राई वो सूखा रहेगा, नहीं। उसमें कुछ केमिकल डाला जाता है जिसके थ्रू वो हम लोग बाद में लॉन्ग ड्यूरेशन तक वो काम आ सके। अब कुछ स्पेसिमेन माइक्रोस्कोप के नीचे व्यू करने के लिए उनमें कलर मिक्स किया जाता है कि ताकि हम लोग उस चीज़ की इंफॉर्मेशन डिटेल में ले चुके। जैसे कि कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं जो मिक्स किया जाता है उन पर कलर लाने के लिए, जैसे कि आयोडीन का सॉल्यूशन, सेफ्रेन, मिथाइन ब्लू एंड क्रिस्टल वॉयलेट। ये सब एग्जाम्पल्स हैं जो डाला जाता है कि उसका अच्छी तरीके से हम सेल को व्यू कर सकें। तो दिस वॉज अबाउट द प्रिपेयरिंग अ स्लाइड टू व्यू अ सेल। इन आर नेक्स्ट वीडियो आई विल टेल यू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।